आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। महिलाओं ने माता शीतला की पूजन अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। समीपस्थ 3 किलोमीटर दूर धोलखेड़ा स्थित माता शीतला के दरबार में महिलाओं सहित पुरुषों ने पूजा अर्चना कर क्षेत्र और परिवार के सुख समृद्धि की कामना कर भोग लगाया। भोर होते ही शीतला माता मंदिर जाने वालों की भीड़ देखी गई। माता के दरबार में दर्शन करने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। बड़े बुजुर्ग सहित बच्चों ने भी माता के दरबार में दर्शन किए। धोलखेड़ा स्थित शीतला मंदिर के आसपास दुकानें लगने से मेला जैसा दिखाई दिया। मंदिर प्रांगण में टेंट लगाकर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई। प्रातःकालीन आरती के पश्चात सभी ने ठंडे भोजन का प्रसाद चढ़ाया। मंदिर के व्यवस्थापक मनोहर लाल वाणी ने बताया, वर्षों से माता की पूजा अर्चना की जाती आ रही है। उन्होंने कहा कि मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, शीघ्र ही बड़ा आयोजन रखकर माता की नवीन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सप्तमी और अष्टमी के दिन माता शीतला के पूजन का विधान है, जिन्हें माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इस दिन बड़ी संख्या में महिलाएं मंदिर में पहुंचकर पूजन कर स्वास्थ्य लाभ सहित संतान की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। दोपहर में माता की पुनः आरती कर प्रसादी वितरण की गई। सभी श्रद्धालुओं ने प्रांगण में लगी गन्ने, कुल्फी, विभिन्न प्रकार के ठंडे पेय पदार्थों का आनंद लिया। सुबह 4 बजे से दर्शन करने वालों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से माकूल व्यवस्था की गई थी। इस दिन प्रत्येक परिवारों में ठंडा भोजन ही खाया जाता है। यहां युवाओं ने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जिला संवाददाता जितेंद्र प्रसाद वाणी की रिपोर्ट।